अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। सो कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि यार आप ऐसे कोई वीडियो बनाए जिस पे मतलब हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल से मैसेज नहीं जा रहा है, बैलेंस भी पड़ा है, SMS पैकेज भी है, फिर भी मैसेज हमारा नहीं जा रहा, ठीक है? तो प्लीज़ आप इस पे वीडियो बनाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है? तो अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, टेंशन बिल्कुल ही ना लें, सब बहुत ही सिंपल है, ठीक है? सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि जिस नंबर पे आप मैसेज सेंड करेंगे क्या वो नंबर ठीक है या नंबर गलत मिलाया हुआ है आपने। यहाँ उसके बाद आप अपना बैलेंस चेक करें, उसके बाद अपना SMS पैकेज चेक करें कि है या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मैं एक मैसेज करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक नंबर पे मैसेज करता हूँ, कुछ भी लिख के, ठीक है, सिम्बन पे। तो यहाँ पे सेंड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाएं बैक, ठीक है? बैक आने के बाद आपने क्या करना है कि अपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाना है आपने, ठीक है? 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके मोर सेटिंग्स में जाना है, ठीक है? मोर सेटिंग्स में आने के बाद SMS सेंटर नंबर, यहाँ पे आप SIM 1 में भी चेक करें, SMS सेंटर नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एम्प्टी है, कोई भी SMS सेंटर नंबर नहीं। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये जो अपना SMS सेंटर ये अपना कॉपी कर लेना आपने, उसके बाद डन, ओके, देन आपने यहाँ पे जो भी आपने कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपने डन कर देना है, फिर ओके। तो अभी आप बैक आ जाएं, बैक आने के बाद अपना हैंडसेट जो है रीस्टार्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। मैं ऐसे चेक करता हूँ कि मैसेज जाता है या नहीं जाता, ठीक है? तो उसके बाद मैं XYZ कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, डॉट, तो SIM 1 से सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हैं मेरा मैसेज चला गया, ठीक है, नंबर 1 ये है। तो उसके बाद एक दूसरी ट्रिक है, ठीक है? दूसरी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है? सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने जाना है मोर सेटिंग्स में, ठीक है? मोर सेटिंग्स में जाना है आपने। मोर सेटिंग्स के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, नीचे करके यहाँ पे बैकअप एंड रेस्ट, यहाँ पे आपने प्रेस करना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक तो है बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, रेस्ट, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, रीसेट ऑल सेटिंग्स, ठीक है? यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है? रिस्टोर सिस्टम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स विदाउट डिलीटिंग एनी डेटा, मतलब आपकी जो भी सेटिंग्स ख़राब होगी ना, वो आपकी जो सेटिंग्स है वो आपकी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी जो आपके मोबाइल की ओरिजिनल है, ठीक है? तो उसके अलावा आपकी कोई भी पर्सनल डेटा या कुछ भी जो आपकी एप्लीकेशन से आप कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है? पर्सनल डेटा या कोई भी चीज़ आपके अगर मेमोरी कार्ड पर आए, कुछ भी आपको डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो है सेटिंग्स जो है मोबाइल की सिर्फ वही डिलीट होगी, ठीक है? तो वही सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है।